हेलो फ्रेंड्स, सुलन लो क्रिएटिंग द हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह रंगोली मैट का नया डिज़ाइन है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा बनके तैयार हो गया है। इस मैट को आप रंगोली की जगह रख सकते हैं या टेबल पर इसे रख कर इसके ऊपर फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप दीवार के ऊपर भी चिपका सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, चलिए इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने A3 साइज़ में ये प्रिंट आउट निकाली है। ये डिज़ाइन आपको पिंटरेस्ट ऐप पर मिलेगी। कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अब इस डिज़ाइन को मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से ट्रेस किया है, तो डिज़ाइन को कैसे ट्रेस करना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का फर लिया है। पहली लाइन में मैंने डार्क ब्राउन कलर का कत्था कलर का फर चिपकाया है। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे, रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। देखें, इससे करने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब रेड कलर को चिपक कर हम ब्राउन कलर को चिपकाएंगे और बीच में जितनी भी जगह बची है वहाँ पर फर को चिपकाएंगे। इस तरह से आप चिपकाने से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए, इसके बाद अंदर जो हाफ सर्कल है वहाँ पर मैंने डार्क ऑरेंज कलर की फर को चिपकाया है। वीडियो में दिखाया है उसी तरह से आप इसे चिपकाएंगे तभी आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इसके बाद लिए हैं लाइट ऑरेंज कलर। देखिए, लाइट ऑरेंज कलर को चिपक कर फिर से डार्क ऑरेंज कलर लगाना है। यहाँ पर अब हमने लिया है येल्लो कलर, तो बीच में पहली येल्लो कलर चिपकाएंगे और फिर बची हुई जगह पर हम लाइट ऑरेंज कलर लगाएंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने सभी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखिए, फर को चिपक कर हम इस तरह से इस कपड़े को पूरा कट करेंगे। देखिए, पूरे कपड़े का कट करने के बाद ये हमारा प्यारा सा मैट बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय में बनने वाला ये हमारा मैट, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैट की डिज़ाइन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।